हेलो फ्रेंड्स, ऑपरेशन सर्च के अंदर आज जो हमारा टॉपिक है डैट इज़ द नेचर एंड द स्कोप ऑफ द ऑपरेशन सर्च, और इसके जो रिटर्न नोट्स हैं वो भी मैंने अपने ब्लॉग पे डाल दिए हैं, आप वहाँ पे चेक कर सकते हैं। और अगर आपको मेरा ये लेक्चर अच्छा लगता है तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो ऑपरेशन सर्च है बेसिकली होता क्या चीज़ है। देखो, जो ऑपरेशन सर्च है सिस्टमैटिक एंड एनालिटिकल अप्रोच टू डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो ये एक सिस्टमैटिक का अर्थ होता है कि हम इसको स्टेप बाय स्टेप जो है, और इसके अंदर क्या होता है कि जो इसके एलिमेंट्स होते हैं उनका कॉज और इफेक्ट का रिलेशनशिप क्या है। सिस्टमैटिक एंड एनालिटिकल अप्रोच टू डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो जो ऑपरेशन सर्च है ये एक एनालिटिकल अप्रोच है जिसके द्वारा ऑर्गेनाइजेशन जो है डिसीजन लेती है, जो भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर प्रॉब्लम्स होती है उसको वो सॉल्व करती है। और ऑपरेशन सर्च USA, कैनेडा, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया के अंदर जो ऑपरेशन सर्च के नाम से जाना जाता है, और जो यूरोप के अंदर ये इंटर डिसिप्लिनरी ब्रांच ऑफ द अप्लाइड मैथमेटिक्स है जिसके अंदर क्या होता है कि मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स की जो टेक्निक्स हैं वो यूज़ की जाती है, ताकि हमारी, क्योंकि देखो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या होता है कि रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं, कंस्ट्रेंट्स होते हैं, तो उन सब के बीच में क्या होता है कि हमने ऑप्टिमल जो सोल्यूशन है किस तरह से निकालना है। और ये जब हम ऑपरेशन सर्च की बात करते हैं तो ये एक सेपरेट डिसिप्लिन है जिसको हम अलग से स्टडी करते हैं, और ये इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग प्रोफेशन का जो है इंटीग्रल पार्ट है। और यहाँ पे जो टूल्स इसके अंदर यूज़ किए जाते हैं, जब हमने, क्योंकि ये एनालिटिकल अप्रोच है तो यहाँ पे क्या होता है कि जब हम डाटा जो है कलेक्ट करते हैं तो स्टैटिस्टिक्स, प्रोबेबिलिटी थ्योरी, गेम थ्योरी, ग्राफ थ्योरी, डिसीजन थ्योरी और लगा के जो है अपने डिसीजन को जो है ऑप्टिमाइज हम करते हैं। तो अब यहाँ पे हम इसका हिस्टोरिकल एवोल्यूशन जो है देखते हैं। देखो, जो बेसिकली ये इंग्लैंड के अंदर जो है सेकेंड वर्ल्ड वॉर के अंदर जो है इसका डेवलपमेंट हुआ। चार्ल्स बैबेज जो कि डैट इज़ द फादर ऑफ द ऑपरेशन सर्च, तो उन्होंने कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एंड सॉर्टिंग ऑफ द मेल जो है उसके अंदर सर्च की। तो वहाँ पे इंग्लैंड का यूनिवर्सल पैनी पोस्ट जो है उन्होंने डिवेल्प किया। मॉडर्न ऑपरेशन सर्च जो है बाउडी रिसर्च स्टेशन UK के अंदर जो है, जिसके अंदर यूज़ किया जाता था कि UK के जो अर्ली वार्निंग रेडार सिस्टम है उसको किस तरह से हम एनालाइज कर सकते हैं, किस तरह से इम्प्रूव कर सकते हैं। और इंडिया के अंदर क्या है कि जो ऑपरेशन सर्च सोसाइटी जो है 1959 के अंदर जो है इस्टेब्लिश की गई, और ये इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ सोसाइटी 1959 का भी मेम्बर था, और जनरल ऑप्स रिसर्च का भी जो कि फर्स्ट टाइम 63 के अंदर पब्लिश हुआ था। अब हम देखते हैं कि जो ऑपरेशन सर्च है बेसिकली किसको हम ऑपरेशन सर्च कहते हैं, इसके क्या बेसिकली फीचर्स हैं। तो देखो, ये एक सिस्टमैटिक एंड एनालिटिकल अप्रोच है जिसके द्वारा क्या होता है कि रिसोर्सेज हमारे लिमिटेड होते हैं, और किस तरह से क्या होता है कि जो ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर प्रॉब्लम्स होती हैं उनको सिस्टमैटिक मैनर के अंदर हम किस तरह से सोल्यूशन जो है उसका ऑप्टिमल सोल्यूशन जो है फाइंड आउट करते हैं। तो ऑपरेशन सर्च की जो डेफिनेशन है कि ऑपरेशन सर्च इज़ द एप्लीकेशन ऑफ द साइंटिफिक टेक्निक्स एंड टूल्स टू द प्रॉब्लम इन्वॉल्विंग द ऑपरेशन ऑफ ए सिस्टम सो एज टू प्रोवाइड दोज इन कंट्रोल ऑफ द सिस्टम विद द ऑप्टिमल सोल्यूशन टू द प्रॉब्लम। तो ऑपरेशन सर्च जो है बेसिकली जो भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर प्रॉब्लम्स होती हैं उसका ऑप्टिमल सोल्यूशन जो है हमें निकाल के देते हैं। और उसी तरह ऑपरेशन सर्च जो है एक साइंटिफिक मेथड है जो कि एग्जीक्यूटिव डिपार्टमेंट को एक क्वांटिटेटिव बेसिस जो है प्रोवाइड करते हैं, जिसके बेसिस पे क्या होता है कि ऑर्गेनाइजेशन जो है डिसीजन ले सकती हैं। और उसी तरह हम देखते हैं कि जो ऑपरेशन सर्च है इसके अंदर जो ऑब्जेक्टिव होता है टू फाइंड द ऑप्टिमल सोल्यूशन, क्योंकि यहाँ पे बेसिकली क्या होता है कि देखो ये ऑप्टिमल एज ए होल होना चाहिए। तो यहाँ पे नेचुरली जो डिसीजन मेकर है उसके अंदर क्या होता है कि नेचुरली वो ऑपरेशन सर्च जो है एनालिटिकल अप्रोच है जिसके द्वारा वो एनालिटिकल अप्रोच यूज़ करता है ताकि उसका जो डिसीजन मेकिंग है वो ऑप्टिमल हो। और यहाँ पे हम देखते हैं कि जो ऑपरेशन सर्च है इसके क्या बेसिकली क्या फीचर्स हैं, क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं। तो ऑपरेशन सर्च जो है, देखो यहाँ पे ये जो सिचुएशन है या प्रॉब्लम है उसको पार्ट्स में
स्टडी नहीं करता, उसको एज ए होल जो है स्टडी करता है, और वो देखता है कि कोई भी जो एक्शन या एक्टिविटी है उसका अदर पार्ट्स के अंदर भी क्या है कि सेम इफेक्ट हो. क्योंकि नेचुरली देखो, जो ऑप्टिमम रिजल्ट वन पार्ट का है वो हो सकता है दूसरे का ना हो. तो नेचुरली जो भी डिसीजन है उसकी जो एवेल्यूएशन करता है तो उसके अंदर वो सारा जो आपस में जो ऑर्गेनाइजेशन के पार्ट आपस में इंटर रिलेटेड होते हैं, एक दूसरे को अफेक्ट करते हैं, उन सबको वो स्टडी करता है. और उसी तरह हम देखते हैं कि ये इंटर डिसिप्लिनरी टीम अप्रोच है, क्योंकि यहाँ पे जो ऑपरेशन सर्च है इसके अंदर बहुत सारे साइंटिस्ट जुड़े होते हैं और जो कि डिफरेंट साइंटिफिक और इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से आते हैं. कोई सिंगल इंडिविजुअल जो होता है उसको अंडरटेकिंग के सारे जो पार्ट्स होते हैं उनके बारे में नॉलेज नहीं होती. तो जो मैनेजरल प्रॉब्लम्स होती है देखो, उनके अंदर इकोनॉमिक्स भी आ जाती है, साइकोलॉजी भी आ जाती है, सोशियोलॉजी भी आ जाती है, तो इंजीनियरिंग एस्पेक्ट्स भी आ जाते हैं. तो यहाँ पे जो एक ऑपरेशन सर्च की टीम होती है डैट कम्स फ्रॉम द डिफरेंट बैकग्राउंड्स. फिर उसी के अंदर ही क्या है कि साइंटिफिक अप्रोच. देखो साइंटिफिक अप्रोच के अंदर क्या होता है कि यहाँ पे एक फॉर्मलाइज्ड तरीका है, सिस्टमेटिक मैनर है, जिसके अंदर देखो पहले प्रॉब्लम को डिफाइन किया जाता है, फिर उसके बाद क्या होता है कि डाटा जो है कलेक्ट किया जाता है और उसका आपस में जो है मैथमेटिकली जो है उसकी टेस्टिंग होती है और उसके बेसिस पे क्या होता है कि सोल्यूशन जो है निकाला जाता है. और उसी तरह देखो डिसीजन साइंस है, जिसके अंदर जो ये मैनेजमेंट को गाइड करती है कि किस तरह से हमने जो है बेटर डिसीजन करने हैं. क्योंकि ऑपरेशन सर्च के अंदर क्या होता है कि देखो जैसे हम जैसे हमारे पास रिसोर्सेज का कंस्ट्रेन है, तो किस तरह से हम अपने रेवेन्यू को मैक्सिमाइज कर सकते हैं या अपनी जो ओवरऑल कॉस्ट है उसको हम किस तरह से मिनिमाइज कर सकते हैं. तो डिसीजन मेकिंग जो है एक सिस्टमेटिक प्रोसेस है. सिस्टमेटिक का अर्थ होता है कि स्टेप बाय स्टेप हम करते हैं और जिसके अंदर देखो पहले हम देखते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर प्रॉब्लम क्या है, उसको डायग्नोज करते हैं, फिर देखते हैं कि उस प्रॉब्लम को हम किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, उसके क्या वेरियस ऑल्टरनेटिव्स हैं जिसके द्वारा हम सॉल्व कर सकते हैं, फिर देखते हैं कि बेस्ट उसके बेसिस पे कौन सा मॉडल जो है हम यूज़ कर सकते हैं, फिर हम उसकी प्रो एंड कॉन को स्टडी करते हैं, उसके बेसिस पे क्या होता है कि हम ऑप्टिमम अल्टरनेटिव निकालते हैं ताकि हमारी प्रॉब्लम का जो सोल्यूशन है डैट शुड बी ऑप्टिमल. और उसी तरह हम देखते हैं कि इसके अंदर जो है कंप्यूटर जो है यूज़ किया जाता है, यूज़ ऑफ द कंप्यूटर जो है इसके अंदर, क्योंकि जो ऑपरेशन सर्च है इसके अंदर हम कंप्यूटर को यूज़ करते हैं ताकि जो कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल मॉडल्स होते हैं, क्योंकि कंप्यूटर के द्वारा क्या होता है कि बहुत सारी जो कॉम्पिटिशंस होती हैं आसान हो जाती हैं. और उसी तरह ही देखो जो ऑपरेशन सर्च है इसके अंदर सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो होता है कि हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, कि किस तरह से हम जैसे अगर हम सेल है तो उसको मैक्सिमाइज करना चाहते हैं, कॉस्ट है तो उसको मिनिमाइज करना चाहते हैं, तो किस तरह से बेस्ट और ऑप्टिमल सोल्यूशन जो है फाइंड आउट करते हैं. और ऑपरेशन सर्च जो है बेसिकली ये क्वांटिटेटिव बेसिस प्रोवाइड करता है. यहाँ पे जो जितने भी मैनेजरल प्रॉब्लम्स होते हैं उनको मैथमेटिकल तरीके से जो है सॉल्व किया जाता है. और यहाँ पे देखो जो बेसिकली जो ऑपरेशन सर्च है, क्योंकि इसके अंदर हमें ह्यूमन फैक्टर जो है इन्वॉल्व होते हैं, क्योंकि ह्यूमन फैक्टर जो है इसके अंदर वो सारे स्टेप्स लेते हैं कि किस तरह से हम अपने डिसीजन को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं. तो ह्यूमन फैक्टर जो होते हैं दे प्ले ए वेरी वाइटल रोल. तो अब हम देखते हैं कि व्हाट इज़ द मेथोडोलॉजी ऑफ द ऑपरेशन सर्च ऑरिएंटेशन, जिसको मैं आगे चल के बताऊँगी. प्रॉब्लम डेफिनेशन, डाटा कलेक्शन, मॉडल फॉर्मुलेशन, सोल्यूशन एनालाइज एंड इंटरप्रिटेशन एंड द इम्प्लीमेंटेशन. तो अब हम मेथोडोलॉजी को जो है थोड़ा सा अंडरस्टैंड करते हैं कि व्हाट इज़ द मेथोडोलॉजी ऑफ द ऑपरेशन सर्च. तो यहाँ पे देखो ऑरिएंटेशन का अर्थ होता है कि देखो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बेसिकली प्रॉब्लम क्या है. तो सबसे पहले हम प्रॉब्लम को डिफाइन करते हैं. देखो जब तक हमें जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो प्रॉब्लम किस वजह से प्रॉब्लम है बट क्लियर पिक्चर नहीं होती, तब तक क्या होता है कि उसको हम ऑप्टिमम नहीं कर सकते. तो यहाँ पे पहले प्रॉब्लम जो है उसका क्लैरिटी होती है और उसके अंदर क्या होता है कि डॉक्यूमेंट्स और रेलिवेंट मटेरियल जो होता है उसको स्टडी किया जाता है. तो यहाँ पे होता है कि प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग प्रॉब्लम हो और उसके साथ क्या है कि ऑर्गेनाइजेशन के बाकी पार्ट जो है किस तरह से कनेक्टेड होते हैं उसको स्टडी किया जाता है ताकि प्रॉब्लम की एक क्लियर कट पिक्चर जो है क्रिएट की जाए. और उसके बाद क्या होता है कि देखो ऑरिएंटेशन के अंदर जब हमने प्रॉब्लम को डिफाइन कर लिया कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बेसिकली ये प्रॉब्लम है और
तो अब हम उसको प्रॉब्लम को डिफाइन करते हैं, जिसके अंदर क्या होता है कि हम क्लियर कट हमारे ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, फिर हम देखते हैं कि कौन से फैक्टर्स हैं जो हमारे ऑब्जेक्टिव को अफेक्ट करते हैं। फिर हम नेचुरली, देखो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है उसके रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं, किसी के पास देखो मशीनें जो होती हैं मशीन ज़्यादा नहीं होते, कहीं पर लेबर जो होती है वो शॉर्टेज में होती है, कहीं पर रॉ मटेरियल की शॉर्टेज होती है, कहीं पर डिमांड की शॉर्टेज होती है, कहीं पर पैसे की शॉर्टेज होती है। तो नेचुरली उन सारे क्या क्या कंस्ट्रेंट्स हैं जो कि हमारे ऑब्जेक्टिव के ऊपर जो है इम्पैक्ट करते हैं। तो यहाँ पे हमने प्रॉब्लम को क्लियर कर डिफाइन कर लिया। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप जो आता है वो होता है कि हमने डाटा कलेक्ट करना है, क्योंकि देखो यहाँ पे क्योंकि जब तक हम डाटा नहीं कलेक्ट करेंगे तो हम उसका एनालिसिस किस तरह से करेंगे। डाटा जो होता है प्राइमरी सोर्स से भी हो सकता है, सेकेंडरी सोर्स से भी हो सकता है। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप होता है कि जिसके अंदर क्या होता है कि जितने भी हमारा जो प्रॉब्लम है उसके सारे जो करेक्टरिस्टिक्स है उसको हम डिफाइन करते हैं, जो कंस्ट्रक्ट्स होते हैं उसके बेसिस पे हम एक मॉडल बिल्ड करते हैं। ये फिजिकल मॉडल भी हो सकता है, एनालॉजिक मॉडल भी हो सकता है, मैथमेटिकल मॉडल भी हो सकता है, कंप्यूटर सिमुलेशन मॉडल भी हो सकता है। और उसी तरह क्या होता है कि देखो यहाँ पे अब हमने मॉडल डिवेलप कर लिया है, अब हमें मॉडल के अंदर क्या है कि पता है कि ये पार्ट इस पार्ट के साथ कनेक्टेड है। तो यहाँ पे हमने जब अप्रोप्रिएट मॉडल जो है सिलेक्ट कर लिया है तो नेक्स्ट स्टेज जो होती है कि हम किस तरह से जो है सोल्यूशन निकालते हैं और किस तरह से उसका रिजल्ट निकालते हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो सोल्यूशन है हमारा फिजिबल भी हो सकता है, इनफिजिबल भी हो सकता है, ऑप्टिमल भी हो सकता है, नॉन ऑप्टिमल भी हो सकता है, एक सोल्यूशन भी हो सकता है और मल्टीपल सोल्यूशन भी होते हैं। फिर उसके बाद होता है कि हमने किस तरह जो बेसिकली जो हमारी सिस्टम है, जो प्रॉब्लम है, जो हमारा मॉडल है, क्या हमारा जो रियल सिस्टम है उसका जो बिहेवियर है उसको सफिशिएंटली और रिलायबिलिटी जो है प्रेडिक्ट कर सकता है कि नहीं कर सकता, मॉडल की अजम्पशन क्या है। और उस तरह हमें देखते हैं कि फ्यूचर के अंदर क्या है कि हम किस तरह से अपनी परफॉर्मेंस को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। और लास्ट स्टेप के अंदर क्या होता है कि नेचुरली यहाँ पे हम जो सोल्यूशन है उसको हम किस तरह से इम्प्लीमेंट करते हैं, किस तरह से फीडबैक लेते हैं ताकि उसके अंदर जो है हम इम्प्रूवमेंट कर सकें। और उसी तरह हम देखते हैं कि व्हाट इज़ द स्कोप और एप्लीकेशन ऑफ द ऑपरेशन सर्च है, कहाँ कहाँ पे यूज़ किया जा सकता है। तो फिनांस बजटिंग एंड इन्वेस्टमेंट है, परचेजिंग प्रोक्योरमेंट है, प्रोडक्शन मैनेजमेंट है, मार्केटिंग मैनेजमेंट है, पर्सोनल मैनेजमेंट है, रिसर्च एंड डिवेलपमेंट है। तो अब हम इसको वन बाई वन करके जो है स्टडी करते हैं। तो देखो यहाँ पे हम देखते हैं कि ऑपरेशन सर्च बेसिकली कहाँ कहाँ पे यूज़ होता है, फिनांस बजटिंग एंड इन्वेस्टमेंट के अंदर। देखो यहाँ पे होता है कि हमने जो फिनांस है वो कहाँ से प्रोक्योर करना है, जिसके अंदर क्या है कि हम कैश बजट बनाते हैं, कैश फ्लो को एनालिसिस को स्टडी करते हैं, हमारी लॉन्ग रन कैपिटल रिक्वायरमेंट क्या है, हमारा इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो क्या है, ऑर्गेनाइजेशन की डिविडेंड पॉलिसीज क्या हैं। तो यहाँ पे क्या है कि नेचुरली ऑपरेशन सर्च जो है उसको हम यूज़ करते हैं। और उसी तरह परचेजिंग प्रोक्योरमेंट एंड एक्सप्लोरेशन के अंदर क्या है कि हम डिसाइड करते हैं कि किस तरह की क्वांटिटी हमने जो है ऑर्डर प्लेस जब करना है और किस टाइम पे हमें रॉ मटेरियल मशीनरी वगैरह जो है परचेज़ करनी चाहिए, बाइंग और जो हम परचेजिंग करते हैं तो डिफरेंट प्राइसेस पे उसके लिए क्या रूल्स होने चाहिए, बिडिंग पॉलिसी किस तरह से है, जब हमने इक्विपमेंट को रिप्लेस करना है तो उसकी पॉलिसीज़ क्या होंगी, तो हमने जब परचेज़ करना है तो कितनी क्वांटिटी और किस टाइम पे परचेज़ करना है। और उसी तरह हम प्रोडक्शन मैनेजमेंट के अंदर जैसे प्रोजेक्ट प्लानिंग है तो उसके अंदर हम चेकआउट करते हैं कि देखो जो हमारा प्रोजेक्ट जो है जहाँ पे भी हमने लगाना है उसका लोकेशन क्या होगा, साइज़ क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स क्या होंगे, रिटेल आउटलेट्स क्या होगी, डिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसी क्या होगी। मैन्युफैक्चरिंग एंड फैसिलिटी प्लानिंग के अंदर हमारा प्रोडक्शन शेड्यूलिंग, सिक्वेंसिंग, एलोकेशन ऑफ द रिसोर्सेज, लोकेशन ऑफ द फैक्ट्रीज, ऑप्टिमल प्रोडक्शन मिक्स, मेंटेनेंस ऑफ द क्रू साइजेस, शेड्यूलिंग एरिड, सिक्वेंसिंग द प्रोडक्शन रन बाय द प्रॉपर एलोकेशन ऑफ द मशीन। तो ये सारे डिसीजन के अंदर जो है हम ऑपरेशन सर्च जो है यूज़ करते हैं। और उसी तरह ही देखो मार्केटिंग मैनेजमेंट के अंदर प्रोडक्ट की सिलेक्शन, टाइमिंग एंड कॉम्पिटिटिव एक्शंस, एडवर्टाइजमेंट स्ट्रेटजी, चॉइस ऑफ डिफरेंट मीडिया ऑफ एडवर्टाइजिंग, नंबर ऑफ सेल्समैन, फ्रीक्वेंसी ऑफ कॉलिंग ऑफ द अकाउंट्स, इफेक्टिवनेस ऑफ द मार्केट रिसर्च, साइज ऑफ द स्टॉक टू मीट द फ्यूचर डिमांड। और उसी तरह पर्सोनल मैनेजमेंट के अंदर जो है रिक्रूटमेंट,
policy, assignment of jobs, selection of the suitable personnel with due consideration for age and skill, establishing the equitable bonus system. तो ये areas हैं जहाँ पे हम operation search को जो है use कर सकते हैं अपने decision को optimize करने के लिए. और उसी तरह research and development के अंदर क्या है कि देखो कौन से areas हैं जहाँ पे हमें research पे focus करना चाहिए और जो alternative design है उनकी reliability evaluation, किस तरह से जो projects हैं उनकी development को हम control कर सकते हैं, जो multiple research projects होते हैं उनका आपस में हम कैसे link कर सकते हैं और किस तरह से हम देखते हैं कि time and cost का क्या relation है. तो ये सारी basically क्या है areas हैं जहाँ पे हम operation search को use करते हैं, क्योंकि organization जो है इन्हीं के regarding जो इनको problems face होती है तो हम यहाँ पे किस तरह से ये use करके उसको optimize कर सकते हैं. अब हम देखते हैं कि जो operation search है उसके अंदर कौन सी techniques, कौन सी tools use होते हैं. तो यहाँ पे first technique जो है that is the linear programming. तो यहाँ पे क्या होता है कि हमारे पास एक objective होता है, objective जो होता है अगर revenue है, profit है, sale है तो maximize है, अगर cost है तो उसको minimize करना है. तो लीनियर प्रोग्रामिंग के अंदर क्या होता है कि हमारे ऊपर कंस्ट्रेंट्स होते हैं तो हम देखते हैं कि उन कंस्ट्रेंट्स के अंदर क्या होता है कि हम रहते हुए जो है अपना जो ऑब्जेक्टिव है उसको हम ऑप्टिमाइज कैसे कर सकते हैं. अब देखो जैसे प्रॉफिट है तो उसको मैक्सिमाइज, अगर कॉस्ट है तो उसको हम किस तरह से जो है मिनिमाइज कर सकते हैं. और उसी तरह सेकंड जो है डेट इज़ द क्यूइंग थ्योरी. बेसिकली क्या होता है कि देखो यहाँ पे बहुत सारी सिचुएशंस ऐसी होती हैं जहाँ पे एक लंबी लाइन जो है लग जाती है. तो नेचुरली कस्टमर जैसे होटल के अंदर है तो कस्टमर वेट करते हैं खाने की क्योंकि टेबल फ्री नहीं होती, या मशीनें जो है वेट करती हैं कि जब ये प्रोसेस इस पर ख़त्म होगा तो तब जो है दूसरे के लिए मिलेगा, या मतलब बेसिकली मशीनें जो है रिपेयर मैन के लिए वेट करती हैं, एयरक्राफ्ट जो है लैंडिंग के लिए वेट करते हैं. तो किस तरह से हम अपनी कॉस्ट को जो है मिनिमाइज़ कर सकते हैं, क्योंकि अगर क्यू लंबी हो जाती है तो नेचुरली यहाँ पे बहुत सारे यूनिट जो होते हैं वेट कर रहे होते हैं, तो किस तरह से हम उस चीज़ को जो है मैनेज करते हैं. और उसी तरह हम देखते हैं कि आगे जो है इन्वेंट्री कंट्रोल. देखो जो इन्वेंट्री कंट्रोल है बेसिकली यहाँ पे इन्वेंट्री कंट्रोल के अंदर क्या होता है कि देखो ना तो इन्वेंट्री के अंदर हमारी अंडर इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए ना ही ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए, क्योंकि देखो ये जो क्वेश्चन होता है प्रोडक्शन मैनेजर, परचेज मैनेजर, मटेरियल मैनेजर जो होते हैं उनको ये देखना पड़ता है कि उन्होंने कितना परचेज करना है और कितना स्टॉक में रखना है. तो यहाँ पे क्योंकि ऑप्टिमम इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए तो इन्वेंट्री कंट्रोल के अंदर जो है किस लेवल पे हमने रीऑर्डर प्लेस करना है, कितनी रीऑर्डर के अंदर क्वांटिटी डालनी है, तो यहाँ पे वो सारी चीज़ें जो है मैटर करती हैं. और उसी तरह नेटवर्क एनालिसिस के अंदर क्या होता है कि यहाँ पे हम देखते हैं कि जो टोटल हमारा प्रोजेक्ट है उसके अंदर जो है उसको किस तरह से हम प्लान कर सकते हैं, शेड्यूल कर सकते हैं, मॉनिटर कर सकते हैं. जैसे हमने बिल्डिंग को बनाना है या शिप को बनाना है तो ये नेटवर्क एनालिसिस जो है हमें टोटल प्रोजेक्ट का कंप्लीशन टाइम क्या है कि प्रोजेक्ट इतनी डेट तक कंप्लीट हो जाएगा, तो यहाँ पे हम किस तरह से जो प्रोजेक्ट का टाइम है उसको शॉर्टन कर सकते हैं. तो इसके अंदर पर्ट एंड CPM जो है टेक्निक है, गैंट चार्ट है जिसका हम इस्तेमाल करते हैं. और उसी तरह रिप्लेसमेंट प्रॉब्लम्स हैं. देखो रिप्लेसमेंट के अंदर क्या होता है कि देखो जैसे मशीनें हैं, मैन है, इलेक्ट्रिक लाइट बल्ब है, कोई अदर इक्विपमेंट है जो विद द पैसेज ऑफ टाइम हमें रिप्लेस करना पड़ता है क्योंकि उसकी एफिशिएंसी जो होती है कम होनी शुरू हो जाती है. तो ये हमें जो रिप्लेसमेंट प्रॉब्लम्स जो है उसके अंदर भी हमें हेल्प करता है. और उसी तरह हम देखते हैं कि सिक्वेंसिंग. तो यहाँ पे पहले हम लिख देते हैं टूल्स. सिक्वेंसिंग मॉडल जो है बेसिकली क्योंकि डिफरेंट जॉब्स होती हैं उनका सीक्वेंस क्या है और टोटल जॉब्स के अंदर क्या है कि कितना कंप्लीशन टाइम लगता है. तो यहाँ पे क्योंकि नेचुरली हमारा जो ऑब्जेक्टिव होता है कि किस तरह से हम मशीन की यूटिलाइजेशन को मैक्सिमाइज कर सकते हैं और अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सकते हैं. और उसी तरह जो इंटीजर प्रोग्रामिंग है, देखो जब हम इंटीजर की बात करते हैं तो डैट इज़ दी होल नंबर. तो यहाँ पे लीनियर प्रोग्रामिंग की जो बेसिक लिमिटेशन है कि जो वेरिएबल्स हैं वो कोई भी डेसिमल या फ्रैक्शन ले सकते हैं. तो नेचुरली क्योंकि यहाँ पे अगर हम इंटीजर प्रोग्रामिंग के अंदर क्या है कि हम किस तरह से जो क्योंकि कई चीज़ें ऐसी होती हैं कि वो फ्रैक्शन वैल्यूज़ नहीं ले सकती, तो उन वहाँ पे हम इंटीजर प्रोग्रामिंग को जो है यूज़ करते हैं कि किस तरह से हम डिसीजन को जो है ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं.
हैं। और उसी तरह ही देखो असाइनमेंट प्रॉब्लम्स, तो यहाँ पे भी पहले हम टूल्स लिख लेते हैं। असाइनमेंट प्रॉब्लम, तो यहाँ पे भी क्या होता है कि ये एक स्पेशल टाइप ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम है। तो इसके अंदर होता है कि जो वेरियस सोर्सेज होते हैं उसको हम वेरियस एक्टिविटीज़ को किस तरह से वन टू वन बेसिस पे एलोकेट कर सकते हैं। अगर देखो बेसिकली क्या है कि यहाँ पे भी जो ऑब्जेक्टिव होता है कॉस्ट को मिनिमाइज़ करना होता है और सेल और प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना होता है। और उसी तरह ट्रांसपोर्टेशन के अंदर भी क्या होता है कि जैसे हमने नंबर ऑफ सोर्सेज विद लिमिटेड सप्लाई टू नंबर ऑफ डेस्टिनेशन जहाँ पे इतनी डिमांड है ताकि हमारी जो टोटल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है वो मिनिमाइज हो जाए। और उसी तरह क्या है कि यहाँ पे हम डिसीजन थ्योरी एंड गेम्स है, डिसीजन थ्योरी एंड गेम थ्योरी है। तो यहाँ पे रिस्क और अनसर्टेनिटीज़ के बीच में क्या है कि अगर हम ये डिसीजन लेते हैं तो उसका ये आउटकम निकलता है, और गेम थ्योरी जो है हमें किस तरह की स्ट्रैटेजी जो है अडॉप्ट करनी चाहिए। तो डिसीजन थ्योरी के अंदर हम डिसीजन टेबल एंड ट्रीज बनाते हैं, और जिसके अंदर क्या होता है कि हम देखते हैं कि प्रॉब्लम को हम इस तरीके से अगर ये सॉल्व करते हैं तो इसका रिजल्ट क्या निकलता है। और उसी तरह मार्कोव एनालिसिस जो है हमें बेसिकली क्या होता है कि जब हमें सिस्टम के बिहेवियर के बारे में इन्फॉर्मेशन दी होती है तो हम चेंजेस को प्रेडिक्ट कर सकते हैं, और ये प्रोबेबिलिटी थ्योरी के ऊपर बेस्ड होता है। तो यहाँ पे मैनेजर जो है कि अगर हमने फ्यूचर के अंदर ये मार्केट की शेयर हो सकती है तो नेचुरली शॉर्ट रन के अंदर ये हो सकती है, लॉन्ग रन के अंदर ये हो सकती है, तो जो हमारे पास इन्फॉर्मेशन है उसके बेसिस पे हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं। और उसी तरह क्या है सिमुलेशन है, सिमुलेशन जो एक जनरल टेक्निक है जो एक डायनेमिक मॉडल को डेवलप करने के अंदर हमें हेल्प करती है, जिसके अंदर क्या होता है कि रियल सिचुएशन जो होती है बेसिकली कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी होती है जिनको हम मैथमेटिकली सॉल्व नहीं कर सकते, तो यहाँ पे हम सिमुलेशन के अंदर जो है सॉल्व करते हैं। बेसिकली रियल सिचुएशन होती हैं तो यहाँ पे किस तरह से हम प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो डायनेमिक प्रोग्रामिंग जो है बेसिकली यहाँ पे जब हमारे पास क्या होता है कि बहुत सारे सॉल्यूशंस होते हैं जिनका आपस में इंटरलेशन होता है, तो नेचुरली यहाँ पे हम किस तरह से अपने डिसीजन जो है उसको ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, जैसे सुटेबल प्रोडक्ट मिक्स, इन्वेंटरी प्लानिंग कंट्रोल, रिप्लेसमेंट ऑफ एसेट, चॉइस ऑफ शॉर्टेस्ट रूट एंड सिमिलर अदर सिचुएशंस। तो गोल प्रोग्रामिंग के अंदर क्या है कि चार्ल्स एंड कूपर ने गोल प्रोग्रामिंग 61 के अंदर डिवेल्प की थी, और जिसके अंदर क्या है कि देखो हर एक ऑब्जेक्टिव फंक्शन जो होता है फिक्स वैल्यू होती है जिसको टारगेट होती है। तो गोल प्रोग्रामिंग के अंदर क्या होता है कि इन टारगेट से जो डिविएशंस है वो कम से कम हो। तो ये जो है ऑपरेशन सर्च के जो है टूल्स एंड टेक्निक्स है जिसके द्वारा क्या है कि हम अपने डिसीजन को